ज्यादा अच्छी होंगी है पौधे को। डैपर ऑलमोस्ट 100% पानी च हल पजीर है। यूसुफ भाई ने इस्तेमाल की हुई है, खीरे चने फ्लड की है, ऑलमोस्ट 100% 100% हल पजीर है पानी के अंदर। पीएच 2 तो कम है, चिलेटेड जिंक 6% इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। इन तीनों चीज़ें जो मैं डिस्कस की इतने तीनों चीज़ा फास्फोरस की मुयसर होने के अंदर, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी के अंदर अहम किरदार अदा कर रही है। अगर ये मुतबादल में डीएपी की गल करा, डीएपी 2 बैग, एक बैग डीएपी का कितना वजन होता है जी? 50 किलो। 2 बैग का वजन कितना होगा जी? 100 किलो डीएपी। इधर से डैपर पा रहे 30 किलो जी। इधर डीएपी इस्तेमाल कर रहे 100 किलो, यानी 100 किलो छट्टा कर रहे हैं अपनी जमीन के अंदर, या असं केरा कर रहे हैं अपनी जमीन के अंदर। जी नाइट्रोजन मौजूद है 18% है, फॉस्फोरस 46% है जी, नाइट्रोजन है, 46% फास्फोरस मौजूद है, पोटाश 0% है, जिंक 0% है। और अगर इसकी पीएच की गल करिए, असं डीएपी दी पीएच तकरीबन 8 तो ज्यादा है, यानी 8.5 तो भी ज्यादा है। डीएपी का जो सा बैग है उसकी पीएच या उसका बुखार जिन्होंने असं बोलते हैं वो 8 तो भी ज्यादा है। डीएपी के बैग की पीएच 8 तो भी ज्यादा है, जबकि डैपर की पीएच 2 तो कम सी। तेजाबी खाद है, डीएपी असासी खाद है। अगर 2 बैग दी देखिए कि फास्फोरस कितनी मौजूद है बैग के अंदर, यानी 2 बैग के अंदर फास्फोरस जी मौजूद है वह कितनी है? क्योंकि 40% है, जिसका मतलब यह है कि 100 किलो के 40 किलो फास्फोरस मौजूद है। 2 बैगों के अंदर कितनी फास्फोरस मौजूद है जी? 46 किलो। 46 किलो फास्फोरस बजाहिर मौजूद है 2 बैगों के अंदर, लेकिन असी इसकी अवेलेबिलिटी देखनी है कि साढ़े पौधे को कितनी मिलती है। असी बैग के अंदर बेशक 100 किलो ही मौजूद हो, उसको की करना है? साढ़े वास्ते तो फायदेमंद वो है जो साडा पौधा लै रहा है, और पौधा लैके सू अल्टीमेटली पैदावार दे रहा, साढ़ा उधर कंसर्न है। साडा इस चीज़ का कोई कंसर्न नहीं, इतने 1000 किलो भी मौजूद हो सू उधर कोई कंसर्न नहीं है। साडा कंसर्न है साड़ी पैदावार के नाल कि जी साढ़े पौधे में मिल रही है। वो मोस्टली असी पहले भी मीटिंग अटेंड की होनी है, पढ़िया भी होएगा कि साड़ी जी डीएपी के फास्फोरस पौधे मिलती है वह 15-20% पौधे मिलती है, बाकी सारी सारी जय हो जाती है, यानी फिक्स हो जाती है। कैल्शियम सोडियम आयन के जोड़े आयन ने उसको चकड़ लेंगे अपने अंदर। कितनी जी? 15-20% पौधे मिलती है डीएपी के 40 किलो फास्फोरस के 15-20% पौधे मिलती है, बाकी सारी जय हो जाती है। अगर असी 20% 40 किलो का अगर 20% कटते हैं, 20% कितना बनेगा जी पौधे में मिल रही है? वो तकरीबन जो कैलकुलेटर है वो देख सकता है जी, जिस बंदे को भी कैलकुलेटर है मोबाइल से कट के अपनी कैलकुलेशन कर सकता है। एग्जैक्ट उसकी कैलकुलेशन 9.2 किलो की आएगी। 20% क्योंकि अवेलेबल है, एक बैग दो बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बैग 46 किलो मौजूद है, 1 बैग 23 किलो फास्फोरस मौजूद होती है। 46 किलो का 20% कटेंगे 9.200 ग्राम बनता है, 9 किलो 200 ग्राम। यानी 2 बैग डीएपी के जी सा पौधे फास्फोरस मिल रही है, जी सा पैदावार सानू दे रही है, जी सू नफा दे रही है, वह फास्फोरस कितनी है जी? 9 किलो 200 ग्राम। जबकि डैपर के 2 बैग चो कितनी फास्फोरस पौधे मिल रही है जी? 12 किलो 960 ग्राम। ऑलमोस्ट यदा फर्क जोड़ा है पैदा फास्फोरस की अवेलेबिलिटी का, वो तकरीबन कोई 4.25 के करीब करीब फर्क है, तकरीबन 3.3 किलो 700 ग्राम के करीब करीब फर्क आ रहा है। यानी अल्टीमेटली 25-30% ज्यादा फास्फोरस मौजूद है डैपर के,
यानी 25 से 30% फास्फोरस ज्यादा मिलती है डैपर के जरिए।